नमस्कार दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी का शीर्षक है एक कप कॉफी। जापान के टोक्यो शहर के निकट एक कस्बा अपनी खुशहाली के प्रसिद्ध था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे के खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा कि मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफी शॉप शहर के रेस्टोरेंट की तरह ही थी, पर वहां उसे लोगों का व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक आदमी शॉप में आया, उसने दो कॉफी के पैसे देते हुए कहा, दो कॉफी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। फिर भी उस आदमी को कॉफी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया, जिस पर एक कप कॉफी लिखा था। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। उसने सोचा कि कुछ देर और बैठता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहां आया। उसने कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप में घुसा और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। सर, आपका ऑर्डर प्लीज, वेटर बोला। दीवार से एक कप कॉफी, मजदूर ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए एक कप कॉफी दी और दीवार पर लगी ढेर सारे कागज के टुकड़ों में से एक कप कॉफी लिखा हुआ एक टुकड़ा निकालकर डस्टबिन में डाल दिया। व्यक्ति को अब सारी बात समझ आ गई थी। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति यह रवैया देखकर वह भाव विभोर हो गया। उसे लगा सचमुच लोगों की मदद करने का कितना अच्छा तरीका निकाला है। जहां एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मसम्मान कम किए एक अच्छी सी कॉफी शॉप में खाने पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली के कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वह वापस अपने शहर लौट गया। सो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी हमें सिखाती कि हमें कैसे लोगों की मदद करनी है, हमें कैसे दूसरों को खुश रखना है। सो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।